शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नवाब साहब रोड पर नाली के पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। वहीं दोनों तरफ लाठी डंडी और लुहानी चली, जिससे दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार अवधेश गुप्ता पुत्र घनश्याम गुप्ता उम्र 40 साल निवासी नवाब साहब रोड ने बताया कि पानी की निकासी को लेकर पास में रहने वाले गौरव गुप्ता के परिजनों ने नाली बंद कर दी। वहीं पत्थर लगाकर नाली बंद कर दी गई, जिससे कारण पानी की निकासी नहीं हो पाई है। जब इस संदर्भ में उनसे बात की गई तो गौरव गुप्ता और अवधेश गुप्ता के परिजनों में दोनों तरफ से झगड़ा हो गया। वहीं लाठी डंडे से दोनों तरफ से वे लोग घायल हो गए, जिसका उपचार जारी है। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। नाली के पानी पे विवाद चल रहा 2 महीने से। किससे? और भाइयों ने पड़ोस में। फिर और मान ले हम और का है बस। पुलिस को 3 बार आवेदन दे चुके हनुमंत गुप्ता और जय गौरव। क्यों कर दी? जो पानी की निकास के पानी के रास्ता बंद कर दिया। नाली पे पत्थर बजरी सब लगा दिया। किस जगह पे? नवासा रोड पे जो थाने के सामने मकान है, 40 साल से पानी निकल रहा है मेरा। हाँ। तो किस चीज़ से मारपीट की? लोहांगी थी। और डंडे थे। कितने लोग थे वो? वे 4 जने थे। और आप? मैं अकेले ही था। अच्छा, आप? ये मामला क्या है कि पहले हमने 40 साल पहले मकान खरीदा था, नली को दो भाइयों ने तो आधा आधा बट गया था। तो एक साइड का हिस्सा उनका और एक साइड का हिस्सा हमारा है। तो पहले व्यवहारिक निकल रहा था पानी, अब डेली लड़ रहा है 2 महीने से। बिहार की हो रहे थे, लड़ाई चल रही है। बिहार से आए हैं, बिहार जिला है, बिहार की तो ये मान लड़ रहे हैं और गंदगी फैलाते हैं। तो हमने लेके पानी बंद कर दिया और वो कहते हैं गली में से निकलेंगे। हमारे पास में 8 फुट की गली है तो उसमें से कह रहे हैं रास्ता चाहिए। हमारे मकान में से होकर रास्ता मांग रहे हैं और पानी निकाल रहे थे। कहाँ आप? नवाफरों। तो लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा था कि आपके द्वारा पहले मारपीट की गई है। पुलिस वाले के सामने डंडा लेके वो खुद आया है। वो भी घायल है इसमें। वो भी घायल है। उसकी औरत दिया उसमें तो लट्टा के औरत ले गई, उसने दिया है उसमें। मतलब उसकी ही वाइफ ने उसी में मारा है? धोखे से लग गई उसमें। वाइफ ने उसमें नहीं मारा, मारा तो हमें वाइफ ने, भैया की वाइफ ने दिया। मतलब तुम्हारी भाभी में मारा है? नहीं। तो लेकिन वो क्या, फिर उसके हस्बैंड में पड़ गया? उसके हस्बैंड में पड़ गया वो डंडा? हस्बैंड में नहीं पड़ा। तो आप मतलब कहीं ना कहीं आप खुद कंफ्यूजन में हो अभी? मैं अपनी दुकान में था, बाद में निकल गया।